गाइस भारत के अंदर सबसे ज्यादा कचौरी, समोसे और ऐसी बहुत सारी चीजें खाई जाती है जिसके अंदर खाने के तेल का इस्तेमाल लिया जाता है। लेकिन जब वो चीजें बन जाती है, पक जाती है, उसके बाद में क्या किया जाता है, उस तेल को, क्योंकि वो वेस्ट हो जाता है तो उसे फेंक दिया जाता है या फिर मतलब इतना ज्यादा यूज में नहीं ले पाते हम लोग। लेकिन सोचो वही अगर हम उस तेल से एक ऐसा प्रोडक्ट बना दे जिससे हम गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं, एज अ पेट्रोल उसे इस्तेमाल करें तो क्या होगा, मजा आ जाएगा भाई, पैसे के पैसे बन जाएंगे और तेल का इस्तेमाल भी ले लिया जाएगा। तो ऐसा किया जा सकता है अगर हम उस तेल को बायोडीजल के अंदर बदल दें, फिर उस बायोडीजल से अपन ट्रैक्टर चला सकते हैं या फिर जितनी भी गाड़ियां हैं उन सब में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी खराब तेल से बनाने वाले हैं बायोडीजल, लेकिन उसके लिए तेल लेके आना पड़ेगा। चलो तेल लेके आओ। भैया कचौरी पकौड़ी का बचाओ, वेस्ट तेल लेके हाल भैया बढ़ाना है, आओ बढ़ाओगे वो बढ़ाए, आपके काम आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो गाइस यार ये तेल भी आ चुका है, खराब है नहीं? हाँ खराब है। ठीक है गाइस, चलो सबसे पहले इसको बॉईल करना पड़ेगा। गाइस इस तेल को एक बार इस्तेमाल में ले लिया गया है, अब ये दोबारा से खाने पीने की चीजों में तो काम में नहीं आएगा। देख सकते हैं कि इस तेल का खाने में दोबारा इस्तेमाल नहीं लिया जा सकता है, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा खराब है, लेकिन हम इससे बायोडीजल बना सकते हैं। तो पहला स्टेप के अंदर अपन इस तेल को 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। बट्टी चलाओ। गाइस थर्मोमीटर से चेक करते हैं कि ये अभी कितना गर्म है। गाइस अभी ये 22 से 23 डिग्री तक गर्म है, इसको 80 डिग्री तक गर्म करेंगे। गाइस 70 डिग्री तक गर्म हो गया तेल, नहीं गाइस 80 हो गया, आप देख सकते हैं कि 80 डिग्री तक हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। और अब इसे जो है गैस को बंद कर देते हैं और अब इसे हम वापस 60 डिग्री तक ठंडा करेंगे। ठंडा इसलिए करेंगे, एक्चुअली में क्या है कि कभी भी अपन जब चीजों को गर्म करते हैं तो वो सारी चीजें एक साथ गर्म नहीं होती, इसीलिए इसको पहले 80 डिग्री तक गर्म कर लिया ताकि ये पूरा तेल गर्म हो जाए। अब इसको जब ठंडा करेंगे तो पूरा तेल एक साथ ठंडा होगा और हमें मिल जाएगा 60 डिग्री टेम्परेचर पे ये वाला ऑयल। ध्यान रखो जैसे 60 डिग्री हो जाए ना मुझे बता देना। अब एक दूसरा सॉल्यूशन बनाते हैं, आ जाओ। सबसे पहले हम 4 लीटर मेथेनॉल लेंगे। ये गाइस मेथेनॉल है, काफी खतरनाक चीज है, इसीलिए सावधानी से हैंडल करेंगे, बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है ये। तो किस तरीके से पैकेजिंग आती है जैसे कि कोका कोला हो। 2.5 लीटर और 1.5 लीटर, इसके अंदर 1.5 लीटर लेते हैं, 4 लीटर हो जाएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे 100 ग्राम, अरे ये तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एक ही बात है, दोनों ही क्षार है। इसके अंदर कास्टिक सोडा भी डाल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी इस्तेमाल में ले सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही क्षार है, बेस है। ये भी गाइस केरोसिन होता है, हाथ जला सकता है, इसीलिए बी केयरफुल, आपको तो ट्राई करना ही नहीं है। 100 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें। अब इसको मिक्स करके दोनों सोल्यूशन को एक कर लेंगे। गाइज अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो अभी परफेक्टली 60 डिग्री तक वापस ठंडा हो गया है। चलो चलो जल्दी सॉल्यूशन लेके आते हैं। गाइज ये रहा हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मेथेनॉल का सॉल्यूशन। गाइज टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है, अब डालते हैं इसका सॉल्यूशन मेथेनॉल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, साथ साथ हिलाना भी रहेगा, इसको देखना कैसी रिएक्शन होगी। ऑयल हो रहा है। गाइज सावधानी रखनी पड़ेगी, ये हाईली फ्लेमेबल है। गाइस अब 20 मिनट तक इसे हमें ऐसे ही हिलाते रहना पड़ेगा। हिलाते रहो भाई, मैं खाना खाने का 20 मिनट तक हिलाना है भाई, 20 मिनट तक बिल्कुल, टाइम देख लो। हाँ 20 मिनट रेडी नहीं है, मोहन में देख ले यार। गाइस आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है, अब इसका करेंगे विभेदी निष्कर्षण। याद आया कुछ, 9वीं क्लास याद आया, क्या पढ़ रहे हो तो पता ना आपको 9th क्लास। गाइस अब इसे 3-4 दिन के लिए इसमें डाल के छोड़ देते हैं। गए
गाइज आज है दूसरा दिन, हमने हमारे वेस्ट तेल को यानी कि बायोडीजल को 2 दिन रखा है। तो आप देख सकते हैं पास से देखो गाइज कि जितना भी वेस्ट है वो इस स्पेशल कंटेनर के नीचे जमा हो गया है। ये देखो इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, और जो भी हमारा बायोडीजल बना है, जी हाँ ये बन गया, बस इसमें कुछ अशुद्धियां हैं उन्हें निकालेंगे, लेकिन वो ऊपर रह गया है और वेस्ट नीचे। नीचे आप देख सकते हैं कि हमने एक वॉल्व लगा रखा है ताकि इससे हम पैंदे पे जितना भी वेस्ट आया है उसे अलग कर सके और दोबारा से इसके अंदर से अशुद्धियां निकाल सके। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको धीरे से सावधानी से वेस्ट को कलेक्ट कर लेंगे इस बीकर के अंदर। गाइज आप देख सकते हैं कि वेस्ट को हमने सावधानी से निकाल लिया है, सेम ऐसा ही इस कंटेनर के साथ में भी करेंगे, फिर इसके अंदर कुछ और अशुद्धियां हैं उसे भी निकालेंगे। लेकिन गाइज मैं तो इसे भी वेस्ट नहीं कहूंगा, इसकी मदद से आप साबुन बना सकते हैं। जी हाँ गाइज, तो अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो साबुन बनाना भी सिखा देंगे, हैकर है भाई हम हैकर। चलो इसका भी वेस्ट निकालते हैं। गाइज इसके अंदर जो बाकी अशुद्धियां है उन्हें निकालना भी काफी ज्यादा आसान है, पानी की मदद से इसे धो लेंगे जैसे कपड़े धोते हैं ना वैसे, क्योंकि हमारा जो बायोडीजल है वो पानी में घुलनशील नहीं है, इसीलिए जो अशुद्धियां हैं वो तो पानी के अंदर घुल जाएगी, मिक्स हो जाएगी और पानी के अंदर सोल्यूबल होने की वजह से वो अलग हो जाएगी और जो बायोडीजल है वो अलग बच जाएगा। ठीक है गाइज, अब इसे भी 1 से 2 दिन तक छोड़ देते हैं, वेस्ट फिर से नीचे जमा हो जाए, बायोडीजल ऊपर रह जाए। ऐसा हमें लगभग 4 से 5 बार करना होगा, उसके बाद में हमें मिलेगा प्योर बायोडीजल। ऐसा हम इसके साथ भी करेंगे, ऐसा हम इसके साथ भी करेंगे। गाइज आज फिर से आप देख सकते हैं कि आज फिर से ये धुल चुका है और आज कुछ इस तरीके का वेस्ट निकला इसके अंदर से। इसके बाद में 2 से 3 बार और इसकी धुलाई करनी पड़ेगी, वेस्ट को निकालते हैं आज भी। फिर से छोड़ देंगे ऐसे ही धुलने के लिए, डंडा डाल के भी थोड़ा हिलाएंगे ताकि अच्छे से धुल जाए। 7 से 8 दिन हो चुके हैं और कई बार धुलाई करने के बाद फाइनली आई थिंक हमारा बायोडीजल बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसकी एक बार और धुलाई होगी इस वाले की, लेकिन ये वाला जो बैच है ये अच्छे से धुल चुका है। तो इस बायोडीजल को लेते हैं और इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से जलता है, ज्वलन टेस्ट करते हैं इसका। उसके बाद में इसे किसी व्हीकल में डाल के व्हीकल को चलाने की कोशिश करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं ये है हमारा बायोडीजल, देखने में बिल्कुल रियल डीजल जैसा ही लग रहा है, स्मेल बिल्कुल भी वैसी नहीं है। गाइज ये है बायोडीजल और ये है अपना नॉर्मल डीजल जो कि जमीन में से निकलता है। इसका कलर थोड़ा सा तो वैसे अलग है, लेकिन दोनों को बारी बारी से टेस्ट करेंगे कि ये किस तरीके से जलता है और ये किस तरीके से जलता है। तो मैं थोड़ा सा रियल डीजल इसके अंदर ले लेता हूँ। कलर के अंदर फर्क तो है गाइज आप देख सकते हैं, लेकिन एक बात और है, ये चीज जमीन से निकली है और ये चीज जो है पेड़ पौधों से निकली है और उसके बाद में हमने इसे बायोडीजल के अंदर कन्वर्ट किया है। तो चलो इनका दोनों का टेस्ट करते हैं अलग अलग, देख लो दोनों में फर्क इस तरीके का होता है। ये थोड़ा गाढ़ा दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा पतला। गाइस पहले ये जो रियल डीजल है इसका टेस्ट करते हैं कि ये किस तरीके से जलता है। चलो गाइस डीजल को जला के देखते हैं। गाइज डीजल की एक खास बात होती है, वो पेट्रोल की तरह एकदम आग नहीं पकड़ता है। आप देख सकते हैं कि डीजल कुछ इस तरीके से जल रहा है, ये बिल्कुल रियल डीजल है जो कि पेट्रोल पंप्स पे मिलता है। ये देखो बुझा के देखते हैं, एक बार अगर इसने आग पकड़ ली तो बुझाना मुश्किल होता है। गाइज अब टेस्ट करते हैं हमारे द्वारा बनाए गए बायोडीजल का, सेम क्वांटिटी के अंदर बायोडीजल लेते हैं इसमें। अब इसे जला के देखते हैं, गाइज आप देख सकते हैं कि हमारे बायोडीजल ने भी आग पकड़ ली है और ये किस तरीके से जल रहा है ये देखो, ये भी सेम वैसे ही जल रहा है जैसे कि हमारा डीजल जल रहा था, बस इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी अलग है और इसको उससे जलने के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, यानी कि इसको हीट करने के बाद जब इसने आग पकड़ी, जब इसके अंदर से फ्लेम आई तो इसने थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन जब इसने आग पकड़ ली है तो आप देख सकते हैं कि ये भी ठीक उसी तरीके से जल रहा है।
यानी कि हम इसकी मदद से भी कम्बशन कर सकते हैं और गाड़ी का इंजन या फिर जो भी व्हीकल है उसे चला सकते हैं। लेकिन अभी की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सारी जो हैं ओरिजिनल डीजल है उसके हिसाब से बनाई गई होती है, उसके हिसाब से उसकी जो सारी चीज़ें होती है वो काम करती है। आई थिंक अगर अपन इसका सीधा ही इस्तेमाल करें व्हीकल्स के अंदर तो थोड़ा सा एफिशिएंसी के अंदर फ़र्क पड़ सकता है, स्मोक के अंदर फ़र्क पड़ सकता है, जो पीछे गाड़ी धुआं देती है उसमें फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन अगर हम 70% डीजल का इस्तेमाल करें और 30% बायोडीजल उसके अंदर मिक्स कर दें तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है, उस तरीके से हम बिल्कुल नॉर्मली हमारे व्हीकल को चला सकते हैं। हाँ, 70% इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन फिर उसके अंदर वो जो काफ़ी सारी नॉब्स होती है BS4, BS5, BS6 वो कहीं ना कहीं शायद तक नहीं बैठ पाएगी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी काफ़ी जगहों पे बायोडीजल का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक काम करते हैं किसी व्हीकल के अंदर भी बायोडीजल को डाल के देखते हैं किसी पुराने इंजन के अंदर और देखते हैं कि वो किस तरीके से चलता है। बाकी आप देख सकते हैं कि जब तक मैंने बातें की तब तक भी हमारा जो बायोडीजल है वो बहुत अच्छे से जल रहा है। चलो इसको बुझा के देखते हैं। उप्स गाइस, इसको बुझाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है यार। आप देख सकते हैं कि मैं कितनी फूंक मारूं लेकिन ये बुझ नहीं रहा है। दूसरे तरीके से बुझाना पड़ेगा गाइस। अब इस रियल डीजल के अंदर मैं मिला देता हूं ये इतना सारा बायो डीजल, फिर इसे व्हीकल के अंदर डाल के देखेंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि ये वाला डीजल भी इसके साथ में किस तरीके से अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखो। तो गाइज ये है पुराना इंजन हमारा, इसके अंदर बायोडीजल डालते हैं और इसको चला के देखते हैं, लेकिन इसे स्टार्ट करना थोड़ा सा भारी काम है। गाइज अब इसमें डालते हैं B30 यानी कि बायोडीजल 30%, पेट्रोलियम डीजल 70%, ये मिक्स है उसका, ये डालते हुए स्टार्ट करके देखते हैं। ये गाइज आधी बोतल मैंने डाल दी है इसमें, आप देख सकते हैं कि हमारे उस डीजल से इंजन स्टार्ट हो चुका है, ये देखो, और बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे कि नॉर्मली चलता है, उधर पानी भी आने वाला है। इसका टेस्ट तो हो गया, ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। अब ये जो डीजल था B30 इसको बाहर निकालते हैं और B100 डाल के देखते हैं, यानी कि 100% बायो डीजल। ये डीजल निकल रहा है गाइस, टंकी खाली हो रही है, अब इस पाइप को वापस लगा देते हैं और इसमें डालते हैं बायो डीजल, 100% बायो डीजल। ठीक है गाइस, इतने से ही ट्राई करते हैं। गाइस इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उल्टा घुमाना पड़ता है ताकि एयर निकल जाए। डीजल पे इस इंजन को ज्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि इससे खराब हो सकता है, क्योंकि ये इंजन जो है बायोडीजल के हिसाब से नहीं बनाए गए हैं। अभी निकाल के देखते हैं गाइस, ये देखो ये बायोडीजल ही है। हाँ, मैं यूं भी नहीं कहूंगा कि हमने जो बायोडीजल निकाला वो 100% प्योर है, कुछ अशुद्धियां अभी भी हो सकती है। हमारा बायोडीजल जलता है, उससे हमने इंजन को भी चलाया। सबसे मेन बात यार कि कोई खराब चीज वेस्ट हो रही हो उसको अपने सही तरीके से सदुपयोग में ले सके। तो गाइस यार, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।